सोमवार को शहर के चंपाघाट में उपनिदेशक शिक्षा विभाग के कार्यालय में अचानक लेंटर का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी को चोट आई। इसको लेकर शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों में भय का माहौल बना हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक जगदीश नेगी ने बताया कि सोमवार को लंच टाइम के समय उनकी बिल्डिंग में सुपरिटेंडेंट बैठी हुई थी। ऐसे में उनके सर पर लेंटर के कुछ हिस्से गिर गए, जिसकी वजह से उनके सिर पर काफी चोट आई है और उनका इलाज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग की मरम्मत 2014 में पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से की गई थी और पिछले साल भी कुछ मरम्मत कार्य उनके विभाग द्वारा यहां पर करवाया गया था, लेकिन बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से अब स्थिति ये बन चुकी है कि अधिकारी यहां बैठने से डरने लगे हैं। इस समस्या के बारे में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को भी अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग के बारे में एस्टीमेट बनाकर रिपोर्ट तैयार करें। आज कोई 1:30-2 बजे के करीब लंच टाइम था और मुझे जो सूचना प्राप्त हुई, मैं कहीं फील्ड में गया हुआ था किसी एक ज़रूरी फंक्शन में। जो हमारे सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 है मैडम निर्मल नेगी जी, वो इस अपनी सीट पर बैठे थे और अचानक से ऊपर से जो कंकड़ वगैरह इसके जो प्लास्टर है वो उनके सिर पर आ गिरा और जैसे उनको आभास हुआ वो तुरंत तो वहाँ से अपनी सीट छोड़ करके भाग खड़े हुए और पीछे से जो तो बहुत बड़ा जो इसका हिस्सा है, इसका पैच है, वो गिर पड़ा। तो बहुत भयानक सी स्थिति अभी है बनी हुई और बहुत ही, तो ईश्वर का धन्यवाद कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन उनके सर पर काफ़ी चोट आई है और 3-4 टांके भी लगे उनके। लेकिन इस बिल्डिंग की जो है, जो मुझे बताया गया कि 2014 में भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसकी जो है इसका मेंटेनेंस किया गया है, इसकी रिपेयर की गई है और गाहे बगाहे हम भी पिछले साल भी हमने काफ़ी रिपेयर वगैरह इसकी की थी। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति ये बन गई है कि अब यहाँ पे इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं वैकल्पिक हमें जो है इसका अरेंजमेंट कहीं देखना पड़ेगा। और इस संबंधित मैंने अपने हमारे विभाग के अध्यक्ष, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं आदरणीय डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई इसकी जो है पूरी रिपोर्ट बना के प्रपोज़ल भेज दीजिएगा, क्या कर सकते हैं हम इसको इमीडिएट। तो अभी मैं अपने यहाँ के DC महोदय से भी मिलने जा रहा हूँ और क्या तुरंत जो है हम इसमें इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ स्टाफ को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं होगा और ये खतरा बना रहेगा और भय का वातावरण है हमारे स्टाफ के लोगों में भी। तो ये सारी पूरी जो है हमने PW विभाग से SDO साहब से बात की, उन्होंने JE साहब को भेज रखा है, वो आकलन कर रहे हैं इसका, तो पूरी रिपोर्ट बना करके हम विभाग को भी भेजेंगे और हमने स्थानीय प्रशासन और आदरणीय जो DC महोदय हैं उनकी को भी हम अवगत करवाने अभी। और यहाँ पर कर्मचारियों को क्या डायरेक्शन? कर्मचारियों को अभी फिलहाल इसको मैंने वैकेट करने के लिए कह दिया है कि वो और इस कमरे में नहीं बैठेंगे और अंदर के जो कमरे हैं उसमें कोई नहीं बैठेंगे और सामान भी हम यहाँ से टूट फूट ना हो उसको शिफ्ट करेंगे, तुरंत किसी और कमरे में इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये बैठने लायक नहीं है वो कमरे।